सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शांति मिले। प्रभु आमीन आप आमीन सबको आशीष दे। आइए हम दुआ आमीन। करके प्रार्थना सभा की शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान कार्य दयालु प्रेमी प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए। आपने हमें इस्तेमाल किया प्रभु परमेश्वर कि हम आपकी हमदो शताइश महिमा निरंतर करते रहे। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें इस योग्य समझा है प्रभु कि हम जीवित जीवित रहें, क्योंकि जितने भी जीवित हैं वही सिर्फ तेरा धन्यवाद कर सकते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु यीशु नासरी, हमारी पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु नासरी। आपका प्रकाशन हम आपसे चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। आपके लोग, आपके दास और दासी प्रभु परमेश्वर, वो नित्य पिता परमेश्वर आपकी महिमा आपकी सेवकाई में लगे रहते हैं प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। बहुत सारी आत्माएं प्रभु परमेश्वर जो आपको नहीं जानती है, नहीं पहचानती है, उनको जीतने के लिए प्रभु आपके सेवक लगातार प्रयत्न करते रहते हैं और आप उनके तमाम प्रयासों को सफल करते हैं। और प्रभु परमेश्वर वो लोग जो भटक चुके हैं, वो लोग जो अंधकार में हैं, वो लोग जो पिता परमेश्वर नरक के द्वार पर खड़े हैं, आप ऐसे लोगों को मन फिर आपका लौटा ले आने का अवसर देते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। इस पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु हमारी तमाम स्तुति आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे गीतों का गाया जाना, हमारे मुख का बोल, हर चीज पिता परमेश्वर आपको मनभावनी हो, आपको पसंद आए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। चलिए अब हम कुछ गीतों गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। मतलब तेरी स्तुति और आराधना, वो तेरी स्तुति आराधना गाएंगे। चलिए तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। चाहता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू ही मेरा प्रभु तू मेरा पिता। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। Hallelujah.
इसमें है। Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah। हम गाएंगे मिलकर धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। आमीन। यस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। राइट, और गाएंगे बस। बस चलिए अब हम बाइबल में स्मरण करेंगे और अब हम वचन की ओर जाएंगे और वचन से हम सीखेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग स्मरण कर रहे थे और मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। हम निकाल कर पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20वां अध्याय और उसकी 19 से 23 आयतों तक हम पढ़ेंगे और हम मनन करेंगे कि परमेश्वर से वचन के द्वारा क्या बातें कर रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसकी 19 आयतों से लेकर
23 आयतों पर अब हम मनन करेंगे और आज देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहा है। जिसको मिलता है पढ़ने में अगुवाई करें। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था जी, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार द्वार जहाँ चेले थे जी यहूदियों के डर के मारे बंद थे जी, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा जी तुम्हें शांति मिले जी, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए जी। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। आमीन। देखिए यहाँ पर अब हम समझेंगे इसको, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, और मृतकों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह चेलों के ऊपर अपने आप को प्रकट करते हैं। ओके, और जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के ऊपर अपने आप को प्रकट कर रहे थे, तब यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो हम चेलों की मनोदशा को समझेंगे, चेलों के उस दुख को, दर्द को, उस पीड़ा को हम समझने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर वो महसूस कर रहे थे। चेले जो थे, प्रभु यीशु मसीह के साथी जो थे, वो डरे हुए थे और द्वार बंद किए हुए थे और अपने आप को उन्होंने बंद किया हुआ था। पता है क्यों? क्योंकि उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन यहूदियों ने यीशु को सलीब पर चढ़ा के मार दिया है वो ही कहीं हमको ना आ पकड़े। अर्थात आप इस कंडीशन को वर्तमान में कुछ इस तरह से रिलेट करें कि मान लीजिए कोई घटना घटी, और जहां पर जो घटना घटी उसका जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस ने पकड़ लिया। अब मुख्य आरोपी को थाने में ले जाया गया, और थाने का जो अधिकारी है जब वो उसकी जांच पड़ताल करता है तो वो सही पाया जाता है। अब क्या होगा? उस घटना के अंदर उस मुख्य आरोपी के साथ जितने भी लोग होंगे वो क्या करेंगे? डर जाएंगे, कांपने लगेंगे कि भैया उसको पकड़ लिया, हम उसके साथी हैं, अब तो हमारा नंबर आएगा। कुछ ऐसा ही घटना क्रम यहूदियों के साथ था। जब यहूदी प्रभु यीशु मसीह को दोषारोपण कर रहे थे, क्या क्या दोषारोपण था? पहला कि ये अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के सबसे पहला जो दोषारोपण था वह था कि यह राजद्रोह का दोषी पाया गया है, राजद्रोह का दोषी। दूसरा दोष जो प्रभु यीशु मसीह पर मुख्य था वो यह है कि ये ईर्ष्या निंदा करता हुआ पाया गया है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। और इन दो आरोपों के कारण प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों ने जब प्लातूस के पास सौंपा, हेरोदेस के पास सौंपा, तो अवश्य ही उन लोगों ने कहा कि मृत्युदंड का कोई इसमें दोष नहीं पाया जाता। लेकिन फिर भी भीड़ ने चिल्लाकर यीशु को सलीब पर, क्रूस पर मार डालने की मांग की। और हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर, क्रूस पर किले ठोकर मार दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के चेले, प्रभु यीशु मसीह के साथी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, वह लोग अवश्य ही डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि हमारा मुखिया, हमारा अगुआ, जिसके साथ हम थे, जिसके साथ हम दिन रहते थे, उसको दोषी पाया गया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि अब हमारा नंबर आ जाए। और ऐसे माहौल में जब चेले डरे हुए थे, सहमे हुए थे, घबराए हुए थे, तो आपने जब पूरी आयत पढ़ी होंगी तो इसके अंदर आपको एक चीज में आपको ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, और वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह दो बार कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। क्या प्रभु यीशु मसीह ने जो पहली बार कहा तुम्हें शांति मिले, क्या वो काफी नहीं थी? थोड़ा समझिए आप इस चीज को। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहली बार कहा कि तुम्हें शांति मिले, तो क्या वो शांति मिले, प्रभु यीशु मसीह का वो कहना काफी नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा से 21वीं आयत में कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। आखिर प्रभु यीशु मसीह दो बार तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रियो, मेरा जो इस प्रचार का जो मुख्य विषय है, जो यहां से हम विषय देखते हैं, वो यह है
कि यदि आप अपने मुक्ति दाता को, उद्धार करता को, छुड़ाने वाले को नहीं जानते हैं और यदि वो आपको शांति दे रहा है तो वो शांति आपके लिए फिर नहीं होगी, जब तक कि आप अपने उद्धार करता मुक्ति दाता को नहीं जानते हैं। परमेश्वर की आवाज को सुनना, परमेश्वर की आवाज को पहचानना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम घबराए हुए हों, जब हम चिंताओं में फंसे हुए हों, जब हम परेशानी में हो, जब हम पीड़ा में हो, तो हमें शांति भी किसी का श्राप लगता है। जब इंसान का मन जो है वो व्याकुल हो, घबरा रहा हो, पीड़ा में हो, परेशानी में हो, तो जिससे उसको आस है कि वही उद्धार कर सकता है, अगर वो ना हो और कोई थर्ड पर्सन आकर उसको आशीष का कुछ भी बोले ना, तो वो उसको उठपटांगे लगेगा, वो आशीष की बातें भी उसको कड़वी लगेगी उस समय, जिस समय मनुष्य का जो हृदय होता है विचलित हो, पीड़ित हो। क्या आप अपने उद्धारकर्ता को, आप अपने मुक्तिदाता को जानते हैं जो आपको आशीष देता है? यदि आपका उद्धारकर्ता, आपका मुक्तिदाता आपको आशीष दे रहा है कि तुम्हें शांति मिले, लेकिन तुम अपने उद्धारकर्ता को नहीं जानते, तुम अपने मसीहा को नहीं जानते, तुम उस शांति देने वाले को नहीं जानते, तो वो आशीष देने वाले की शांति फिर आपके ऊपर नहीं है। फिर क्यों? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि ये कहा जाता है, माना जाता है। और उस समय, जिस समय इस प्रभु यीशु मसीह के चेले डरे हुए थे, सहमे हुए थे, तो उनको लग रहा था कि अब हमारा विनाश आ गया, अब हम मरने वाले हैं, अब यीशु को मार डाला है, अब हमको भी पकड़ पकड़ के मार डालेंगे। क्यों? क्योंकि यही तो हो रहा था। 12वें अध्याय में हम पाते हैं फिर तो काम के 12वें अध्याय में कि उन्होंने किसको पकड़ लिया? याकूब को पकड़ लिया, उसका सर कलम कर दिया। चेलों को पकड़ा जा रहा था मारने के लिए, पौलुस लेटर लेके घूम रहा था कि जहां कहीं भी मसीही लोग मिले, मसीह के अनुयायी मिले, उनको मार डालो। आज का जो हमारा विषय है, ये मनन करने का विषय है, वो यह है कि कई बार जब हम ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं जहां हम चिंतित हो, परेशान हो, घबराए हुए हो, डर में हो, भय में हो, पीड़ा में हो, तो क्या जो शांति की आवाज आप सुनते हैं वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है? यदि वो शांति की आवाज परमेश्वर की ओर से है, लेकिन फिर भी यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते हो, तो भैया आपको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उनके ऊपर अपने आप को प्रकट किया और अपने हाथों को दिखाया। कुछ ऐसी ही घटना हम एक जगह और देखते हैं, जब पतरस पानी पर चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह से कहता है। वो लोग इस ऐसे सिचुएशन में थे जहां वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, जहां उनको लगता था कि अब तो भैया हम डूब के मर जाएंगे, और तभी क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आते हैं। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को जब देखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि ये कौन है? भूत है। क्या आप अपने मुक्तिदाता को, उद्धारकर्ता को, शांति दाता को पहचानते हैं? यदि आप अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, शांति दाता को नहीं पहचानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो यहां पर पहले कहा तुम्हें शांति मिले, यीशु मसीह जानते थे कि इन्होंने मुझे नहीं पहचाना है। यीशु मसीह ने यहां पर सबसे पहले यह नहीं कहा कि मैं यीशु, नहीं, यीशु मसीह जैसे ही उनके बीच प्रकट हुए, यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले, फिर अपनी आइडेंटिटी बताई, फिर बताया कि मैं यीशु हूं, मेरे हाथों को देखो। अगर शायद यीशु मसीह यहां पर पहले बता देते कि मैं यीशु हूं और फिर बोलते कि तुम्हें शांति मिले, तो आप समझ सकते हैं कि शायद यीशु को फिर दोबारा कहने की जरूरत ना पड़ती कि तुम्हें शांति मिले। क्यों? क्योंकि जब पहले प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हें शांति मिले, उस समय वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए थे, इसलिए उस शांति का उनके लिए कोई अर्थ नहीं था। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते, फिर भी वचन उनके लिए कहता है कि तुम्हारे लिए अनंत जीवन है, तुम्हारे लिए द्वार खुला हुआ है, तुम्हारे लिए चंगाई है, तुम्हारे लिए छुटकारा है। लेकिन आज सब वचन उनके लिए होते हुए भी उनके जीवन में काम नहीं कर रहा, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो लोग यीशु को
नहीं जानते, नहीं मानते, नहीं पहचानते। और यही तो चेले यहाँ पे कर रहे थे कि जब वो लोग बंद थे, डरे हुए थे, तो वो यीशु को पहचान नहीं पाए होंगे। इसलिए यीशु ने तुरंत अपने हाथों को दिखाया। यदि आप उसकी 20वीं आयत में पढ़ेंगे, 20वीं आयत में क्या लिखा है? और ये कहकर यस ने अपना हाथ, अपना पांजर उनको दिखाए। जी, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यस, प्रभु यीशु मसीह ने पहले उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पहचान उन्हें बताई। प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो शांति के पीछे दौड़ रहे हैं। आज बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में शांति चाहते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो अपने लिए आशीष चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, लेकिन वो लोग यीशु मसीह को नहीं पहचानते, यीशु मसीह को नहीं जानते। और यही कारण है कि ऐसे लोग जो मसीह यीशु को नहीं जानते, मसीह यीशु को नहीं पहचानते, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के ना होने के कारण आज वो अपने जीवन में अशांति महसूस करते हैं। न जाने कितने लखपति करोड़पति आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास अरबों खरबों की दौलत है, सब कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत संपन्न है, हफ्ते में शायद 2-3 बार बड़े बड़े विदेशों की लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, करोड़ों रुपए से खर्च कर देते हैं, लेकिन क्या है, उनके पास शांति नहीं है। आज बहुत से लोग हैं जो शांति के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर, उनके पास सच्ची शांति नहीं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों? क्योंकि मैं जो शांति तुम्हें देता हूं, वो शांति वैसी नहीं है जो संसार तुम्हें देता है। आज बहुत से लोग हैं जो संसार की शांति के पीछे भाग रहे हैं, जो संसार की आर्थिक आशीष के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं मानते। आज मुझे और आपको जरूरत है कि हम उन्हें बताएं, उन्हें चिताएं, उन्हें सिखाएं कि सच्ची शांति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में मिलती है। प्रभु यीशु मसीह के चेले स्वयं प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए, तो आप सोचिए कि आज के समय में जिन्होंने कभी यीशु को नहीं जाना, कभी नहीं देखा, उनके लिए यीशु मसीह को पहचानना कितनी बड़ी चीज है। और यही बात तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने चौथे 24वीं आयत में कही, थोमा के विषय में। पढ़िए 24वीं आयत में क्या लिखा है। परंतु 12 में से एक जी, अर्थात थोमा जी, जो दिदुमुस कहलाता है जी, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था जी। आगे जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं जी, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं, और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं जी, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर थोमा है जो यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा 12 चेलों के अंदर एक, लेकिन अब यीशु की पहचान की बात आई है तो वो प्रभु यीशु को पहचानने से इनकार कर रहा है, मना कर रहा है। वो व्यक्ति जो यीशु के साथ खाता था, यीशु के साथ उठता बैठता था, वो व्यक्ति मना कर रहा है। इसकी आप 27वीं आयत को पढ़िएगा, 27वीं में क्या लिखा है। तब उसने थोमा से कहा जी, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख जी, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल जी, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। बिल्कुल, आगे पढ़िए। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर जी। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? जी हाँ, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? आगे, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास, जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। बहुत से लोग हैं प्रियो, हमने खुद ने कभी प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से नहीं देखा। आज के समय में यदि आप चाइना में जाएंगे तो शायद वहां के यीशु मसीह का स्वरूप अलग होगा। यदि आप यूरोप अमेरिका में जाएंगे तो वहां पे वो तस्वीर बनाते हैं यीशु मसीह की, कहना चाहिए तस्वीर बनाते हैं, या फिर फिल्म के किसी जो हीरो ने
एक्टिंग की, यीशु मसीह की उनकी तस्वीर बना देते हैं, उनके लिए वो अलग होता है। प्रभु यीशु मसीह का जो वास्तविक रूप था, हम जितने आज यहां जीवित बैठे हैं, हम में से किसी ने नहीं देखा। और तो और उस समय कैमरे थे नहीं कि कोई फोटो खींच लेता तो हम देख लेते कि भैया यीशु मसीह ऐसे थे। आज तो भैया आप फोटो खींच के रखो, और अगर आपके पास 100 साल पुराना फोटो है, कैमरा है, वीडियो है, तो हम देखते हैं कि अरे भाई साहब वो ऐसे थे। महात्मा गांधी जी को हम लोगों ने अपनी आंखों से नहीं देखा क्योंकि हम तो अभी पैदा हुए हैं, लेकिन जब महात्मा गांधी जी का कोई फोटो दिखाते हैं या कोई वीडियो चलता है 1947 के आसपास का, तो हम टीवी में देखते हैं, अच्छा ऐसे थे महात्मा गांधी जी। आप सोचिए, उस समय तो खैर यीशु मसीह के टाइम पर कोई कैमरा नहीं था, कोई वीडियोग्राफी नहीं थी, अगर होती और कोई फोटो खींच लेता तो हम कहते कि भैया सब जगह फिर वही फोटो चलता। लेकिन अब तो कुछ ऐसा है कि जिसको जैसा जान पड़ा, जिसको जैसा ठीक लगा, किसी में यीशु मसीह की दाढ़ी बना दी लंबी लंबी, तो किसी ने बिल्कुल ही गायब कर दी, जिसको जैसा मालूम चला। बस एक पहचान आपको ऐसी मिलेगी यीशु के फोटो के अंदर, जिससे आपको लगेगा कि ये यीशु का है। बताइए वो पहचान क्या है? क्रूस, बिल्कुल ठीक है। और यीशु मसीह के शरीर में बाल बिल्कुल ठीक है, लंबे होंगे क्योंकि उस समय ओढ़नी रख के प्रार्थना करते थे। और एक पहचान आपको ऐसी मिलेगी यीशु मसीह की, जो आप फोटो देखकर कहेंगे कि हाँ ये पक्का यीशु मसीह का ही फोटो होगा। वाह, वेरी गुड। हाथों में छेद, शायद बहुत से लोग, बहुत से फोटो में नहीं होगा, लेकिन हाथों में अगर छेद है, कीलों के निशान है, तो हम मान लेते हैं कि ये यीशु मसीह का ही फोटो या यीशु मसीह के बारे में ही बता रहा है। और वही तो यीशु मसीह ने यहां पर किया। क्या क्या यीशु मसीह ने? थोमा को अपने हाथ दिखाए, कह रहे भाई तू देख, विश्वास कर, अविश्वासी मत बन। और प्रभु यीशु मसीह आज भी हमसे चाहते हैं कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को जाने, उसको पहचाने, उनकी तरह ना बने जो अविश्वास में है, उनकी तरह ना बने जो सिर्फ इस चिन्ह और चमत्कारों के पीछे चलते हैं, उनकी तरह ना बने जो हर बात में थ्योरी मांगते हैं कि इसके पीछे की थ्योरी क्या है। यदि आज मैं और आप मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, तो हमें चाहिए कि हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज काफी है कि उसके हाथों में जो कीलों के निशान थे, अर्थात वो दुख, वो पीड़ा, वो तकलीफ जो प्रभु यीशु मसीह ने सही, वो है उसका प्रतीक जो उसकी हाथों की हथेलियों में है। वचन कहता है कि मैंने तेरा चित्र अपने हाथ की हथेली पर खोद कर लिखा है। भाई जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के उस हथेली को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर चेलों के ऊपर प्रकट किया, तो प्रियो इसका सबसे बड़ा अर्थ यही था कि प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए दुख सहा है, मैंने तुम्हारे लिए सलीब उठाई है। यही तो निशान है, यही तो चिन्ह है। नहीं तो भैया आपके घरों के अंदर क्रॉस हो या कब्रिस्तान में क्रॉस हो, क्या फर्क है? आपके घर में क्रॉस होगी तो आप यू करेंगे, और कब्रिस्तान में क्रॉस होगी तो यू करेंगे? भाई साहब डर लग रहा है सही है कि नहीं है? कब्रिस्तान वाली क्रॉस को देख के आप डर जाओगे, चर्च की या घर की क्रॉस को देख के आप यीशु मसीह वाली, वो वाली फीलिंग आएगी, अच्छी वाली फीलिंग। प्रभु यीशु मसीह का दुख, प्रभु यीशु मसीह के हाथ के अंदर वो छेद जो प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को दिखाए, जो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर जो हमने पढ़ा 20वीं आयत के अंदर अपने चेलों को दिखाए, और यह उसकी पहचान थी। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पहचानना चाहते हैं। पता है कैसे? अरे प्रभु यीशु मसीह की लंबी दाढ़ी है कि नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने सर पर कोई ओढ़नी रख के रखी है कि नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उन हाथों को जिन्होंने कील के निशान है, शायद आज उन्हें कोई देखना पसंद नहीं करता, शायद आज कोई उनकी चर्चा नहीं करता, शायद आज कोई उस गहराई को समझना नहीं चाहता कि उसके छिदे हुए हाथों के जो निशान है उसका क्या प्रतीक है। प्रियो उसका प्रतीक यही है कि वो आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यही तो सुसमाचार है।
मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है जिसको कीलों से ठोक कर लकड़ी की काट पर लटका दिया गया और उसका खून जो था वो पसीने की तरह पानी की तरह सब कुछ बह गया और फिर जब वो मर गया तो मर के कहानी खत्म। नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह फिर से जीवित हुआ और जब जिंदा हुआ तो उसने सबसे पहले उन दुश्मनों के ऊपर अपने आप को प्रकट नहीं किया जिन्होंने कीलें ठोकी थी। हम में से कोई हो तो क्या करेगा भाई, कुछ ऐसा काम जिसके लिए आपको दोषी ठहरा दिया गया हो और फिर बाद में ऐसा कुछ हो कि आप उस दोष से मुक्त हो जाओ तो सबसे पहले आप उसका गला पकड़ेंगे जिसने आपके ऊपर आरोप लगाया था कि भाई साहब यही है वो आदमी जिसने मुझे दोषी ठहराया था लेकिन मैं निर्दोष होकर भाग निकला हूं। लेकिन देखिए प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों से मिलते हैं और वो चेले जो डर में थे, अशांत थे, निराश थे, हताश थे, परेशान थे, पीड़ा में थे, उनको डर सता रहा था कि यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, अब हमारा क्या होगा, इसलिए वो कुंडी लगाकर अपने घरों में अकेले बैठे हुए थे डर के मारे। तो आप सोचिए जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखा, जब प्रभु यीशु मसीह उनके पास आए तो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सबसे पहली चीज जो निकली उनके लिए निकली कि तुम्हें शांति मिले। क्या मैं और आप हमारे शांति के राजकुमार को पहचानते हैं? यदि मैं और आप शांति के सूत्र को जानते हैं, यदि मैं और आप हमारे आशीष के सूत्र को जानते हैं, उस सोते को जानते हैं, तो प्रियो अवश्य ही हम आशीषित होंगे। अन्यथा यदि आपके लिए कितनी भी कोई आशीष क्यों ना मांगे, कितनी भी कोई आपके लिए प्रार्थना क्यों ना कर दे, यहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने पहले आशीर्वाद दिया कि तुम्हें शांति मिले, फिर दोबारा से आशीर्वाद बोला कि तुम्हें शांति मिले। अरे भैया, यदि हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह को जानना नहीं चाहेंगे, हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहेंगे, तो चाहे आप किसी भी पादरी के पास चले जाइए, बिशप के पास चले जाइए, कितने बड़े बड़े पास वालों के पास चले जाइए, हीलिंग मिनिस्ट्री वालों के पास चले जाइए, लेकिन जब तक आप व्यक्तिगत प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे तब तक वचन आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। आज बहुत से लोग हैं, क्या हो गया भाई साहब, यहां दर्द कर रहा है भाई साहब, वहां दर्द कर रहा है भाई साहब, मेरा काम ये अटका पड़ा है, इतने फंस गए, इतने लाख करोड़ फंस गए, मेरी प्रॉपर्टी वहां है, मेरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, क्या करो, दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। और लोग ऐसे हैं कि भाई साहब उनमें दुआ भी करते हैं, लेकिन क्या वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जानता है? यदि ऐसे लोग जो सिर्फ आशीष के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, चिन्ह के लिए, चमत्कार के लिए, बैंक बैलेंस के लिए, शादी विवाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो प्रियो और वो यदि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो उनके जीवन में वचन कभी कार्य नहीं करेगा। वचन के अंदर वो सारी की सारी आशीषें हैं जो मुझे और आपको चाहिए। आपको किस विषय में चाहिए, आपको किस विषय में मार्गदर्शन की आवश्यकता है? बाइबल के अंदर ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस पर हमको शिक्षा ना दी गई हो। मैं कहूंगा यदि आप आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनसे कहें कि सुबह सुबह उठ के नीति वचन पढ़े। नीति वचन के अंदर जो बातें मूल आधार पर जो बताई गई हैं, यदि वो बच्चा नीति वचन की पुस्तक को पढ़ेगा तो मैं अवश्य कहूंगा कि वो बुद्धिमान बनेगा, ज्ञानवान बनेगा। उसको मालूम होगा कि मुझे कैसी संगति करनी है, कैसी संगति नहीं करनी। बहुत से लोग हैं, हमारे घरों में कई बार ऐसा होता है कि जबूर पढ़ा जाता है। हाँ, हम भजनसिता पढ़ते हैं भाई साहब, घरों में भजनसिता पढ़ के दुआ होती है, लेकिन क्या हम नित्य वचन पढ़ते हैं? अवश्य है भजनसिता पढ़ना चाहिए, परंतु मैं कहूंगा कि यदि हमारे घरों में बच्चे हैं, उनको ज्ञान और बुद्धि के लिए हम चाहते हैं कि वो समझ में आगे बढ़े, ज्ञान और बुद्धि में आगे बढ़े, तो भैया नीति उतने साफ साफ लिखा है कि वो चौराहों पर, मोड़ों पर खड़े होके पुकार रही है, अरे आओ भैया आओ, सेतमेत में ले जाओ, सेतमेत में। और परमेश्वर का वचन हमें हर क्षेत्र में शिक्षा देता है। यहां आज जो हमारे मनन का विषय था वो यही कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते
तो चाहे कितनी भी आशीषें क्यों ना हो, चाहे कितने भी आशीर्वाद आपके लिए क्यों ना हो, लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो वो आपके लिए नहीं है। फिर वो आपके लिए नहीं है। अरे भैया, चंगाई, छुटकारा, सब कुछ पहले से ही वचन में लिखा है, सब कुछ पहले से ही हमारे लिए मुहैया कराया गया है, लेकिन एक शर्त है कि आपको प्रभु यीशु मसीह को जानना है। आज बहुत से लोग होंगे जो शायद आशीषों के पीछे भागते हैं, आशीषों के पीछे भागते हैं। अरे मुझे ये आशीष चाहिए, मुझे वो आशीष चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, लेकिन आशीष के श्रोता प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं भागते। मैं भी शेयर कर रहा था एक जगह इसी चीज वचन को, तो मैं उनसे कह रहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रभु, एक महीने पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रभु मुझे मलेशिया लेके जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था आज से एक महीने पहले। क्यों? क्योंकि भैया हमारे दिमाग में वो थिंकिंग है ही नहीं, कभी वहां जाएंगे, कभी ऐसा जाएंगे, हमने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं। लेकिन जब मैं वहां पर गया और वहां की जो भी व्यवस्थाएं जो थी, जो होटल में जो हमारा रुकना था, जो शानदार हमारे लिए खाने का अरेंजमेंट किया गया था, मैं तो सोच रहा था प्रभु शायद मैं स्वयं तो ऐसा कभी ना कर पाता कि मैं स्वयं ऐसे बढ़िया होटलों में रहता, सिर्फ बढ़िया जगहों पे खाना खाता, फिर वहां पूरा घूमता, और जिनके प्रोग्राम के बाद में जिन लोगों के पास गया उन लोगों ने मुझे पूरी सिटी घुमाई और वहां का ट्विन टावर जो काफी ऊंची बिल्डिंग है वहां पर घुमाई और आसपास के कई क्षेत्र मुझे घुमाए। तब मैं वहां पर एक स्टेटमेंट मैंने डाला था और वो स्टेटमेंट था, डोंट फॉलो ब्लेसिंग बट फॉलो द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आशीष के पीछे मत भागो, आशीष के श्रोत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करो, तो आशीष अपने आप आपके पास आ जाएंगी। आज बहुत से लोग चाहते हैं भैया क्या हो, अरे भैया हम भी वहां पहुंच जाएं, हमारे भी ये हो जाए, हम भी वैसे हो जाएं, हमको भी ये मिल जाए, हमारे लिए भी मार्ग खुले। परंतु जहां प्रभु यीशु मसीह की बात आई, हाँ बस सब कुछ प्रार्थना में चल रहा है। मेरा और आपका व्यक्तिगत प्रभु यीशु मसीह से कैसा संबंध है इस पर निर्भर करता है कि प्रभु यीशु मसीह आपको कहां लेकर जाएगा। यदि आपका प्रभु यीशु मसीह से जो संबंध है, यदि आप उसको और अधिक जानेंगे, और अधिक अपने आप को उसके करीब पाएंगे, एक सॉन्ग है वो कौन सा, जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब आऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतना आशीष पाऊं, आपको वो गीत याद होगा। और उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे यही कहूंगा कि जितना अधिक आप मसीह यीशु के निकट आएंगे, जितना अधिक आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, उतना अधिक आप आशीष पर आशीष, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह को प्राप्त करते जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया प्रभु ने मुझे आशीषित किया है, और वही प्रभु यीशु मसीह जिसने मुझे आशीषित किया है, वो आपको भी, आपकी बहुत सी तमन्नाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, उनके लिए अवश्य ही प्रभु यीशु मसीह आपको भी आशीषित करेगा, और वो हमारी सोच और समझ से बढ़कर कार्य करता है। मैंने आपसे कहा एक महीने पहले तक मेरी सी कोई सोच नहीं थी, कोई ऐसा प्लान नहीं था, भैया दूर तक कोई लिंक भी नहीं दे कि ऐसा कभी कुछ होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ एक आशीष के तौर पर हमें सजा सजाया प्लेट के अंदर दे दिया। और मैं कहूंगा कि इसमें मेरी योग्यता, मेरी खूबी कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हुआ। क्या मैं और आप आशीष के पीछे भाग रहे हैं, शांति के पीछे भाग रहे हैं? हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमारे घर में शांति चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, लेकिन शांति के श्रोता प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। अगर ये कंडीशन मेरी और आपकी है तो प्रियो, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को पहचान जाएंगे, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करेगा, और फिर जब वो आपको आशीष देगा, तुम्हें शांति मिले, तो फिर आप सोचिए वो चेले जो डर रहे थे कि यीशु तो भैया मर गया, अब हमारे लिए कोई आशा नहीं है, हम द्वार बंद करके बैठे हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जीवित
उन चेलों को दिखाई दिया होगा, तो आप उनकी मनोदशा को समझिए, उनके अंदर उस एनर्जी को जरा महसूस कीजिए कि जिस यीशु को वो मरा हुआ समझकर सोच रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया, अब तो हो सकता है कि अब हमको भी मार डालें भैया, ये सिपाही हमको भी पकड़ लें। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर उनके सामने खड़ा हुआ होगा, तब आप सोचिए कि उनके अंदर कैसी एनर्जी आ गई होगी, कैसा साहस उनके अंदर आ गया होगा, कैसी शांति उनके अंदर आ गई होगी। और वो शांति, वो साहस, वो एनर्जी वर्णन से बाहर है प्रियो। तभी तो चिन्ह और चमत्कार होते हैं। इससे पहले वो सब डरे हुए थे, लेकिन इसके बाद वो खुलेआम जाते हैं, खुलेआम प्रचार करने लगते हैं, खुलेआम यीशु मसीह के बारे में बताने लगते हैं, आराधनालय में जाके बताने लगते हैं भाई साहब। और तो और, पहले तो यहूदियों के डर के मारे छुपे हुए बैठे थे, अब तो जहां यहूदी है वहां आराधनालय में जाके यीशु मसीह के बारे में बताने लगते हैं। यह है सच्ची शांति, यह है जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हैं, तो वो शांति और वो साहस जो हमारे अंदर आता है उसका वर्णन बहुत ही अलग है, हमारी सोच समझ और कल्पना से परे है। यदि मैं और आज आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, किसी ऐसी परेशानी में हैं, जहां पर हमको लगता है कि सारे द्वार बंद हैं, जहां हमको लगता है कि अब हमारी सुनवाई नहीं होगी, यदि मैं और आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां मुझे और आपको लगता है कि अब ये तो अंत हो गया, जहां मैं और आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहां घबराहट है, डर है, आने वाले फ्यूचर का डर है कि अब क्या होगा, तो प्रियो मुझे और आपको जो करना है वो सिर्फ एक ही काम है कि आप मसीह यीशु को पहचानें, मसीह यीशु को पहचानें। वो चेले जो यीशु के साथ साथ रहते थे वो भी यीशु को नहीं पहचान पाए। हो सकता है मैं और आप दादा परदादाओं से, मैं कहता हूं कि भैया मैं तो पांचवी पीढ़ी से मसीह में हूं, मैं अपने लिए कहता हूं मैं पांचवी पीढ़ी से मसीह में हूं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मसीह मुझ में है। मैं पांच पीढ़ी से मसीह यीशु का हो सकता हूं, लेकिन मसीह मुझ में है इसकी गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी सिर्फ जब ही मिल सकती है जब मैं और आप व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, जब मेरा और आपका इनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा। अरे भैया, महान विद्वान ज्ञाता कौन चिट्ठी लेके घूम रहा था, अधिकार लेके घूम रहा था, वो भी जब मसीह यीशु को नहीं जानता था, और जब मसीह यीशु ने उसके ऊपर अपने आप को प्रकट किया, तो आप देखिए क्या हुआ। वो सारी डिग्री, वो सारा ज्ञान सब धरा का धरा रह गया। फिर बाद में कहता है कि भैया वो तो कूड़ा कचरा था। जब मैं और आप मसीह यीशु को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह इतना चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन के द्वारा करेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। वो सामरी स्त्री, क्या आप एक ऐसी स्त्री को जिसने पांच पति किए हो और अभी जिसके साथ रह रही हो वो भी उसका पति ना हो, क्या क्या आप ऐसी स्त्री के बारे में कुछ भला सोचेंगे? लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर इस बात को प्रकट किया कि तुझसे जो बात कर रहा है वही है जिसके बारे में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने उसके ऊपर अपने आप को प्रकट किया, तो वो समझ गई, उसका जीवन बदल गया। और देखिए वो सुसमाचार प्रचार करने वाली बन गई। वो नेगेटिविटी जो लोग पहले उसके बारे में रखते थे कि अरे ये तो वैसी स्त्री है, ये ऐसी स्त्री है, ये तो क्या है, ये तो कौन है, कैसी है, अब देखिए जब वो मसीह यीशु को जान जाती है तो उसका जीवन ही बदल जाता है। क्या मैं और आप मसीह यीशु को जानते हैं? शायद जानते हो कि हाँ यीशु पैदा हुआ था आज से 2000 साल पहले, 33.5 साल तक उसने सेवकाई करी, फिर सलीब पर चढ़ा के क्रूस पर चढ़ा दिया, उसको मार दिया। अगर इतना जानते हैं तो क्या आप यीशु मसीह को पहचानते हैं? और अगर आप यीशु मसीह को नहीं पहचानते, तो आइए हमें और आप मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, तू अपने अनुग्रह को हम पर प्रकट कर,
अपनी बड़ी दया को हम पर प्रकट कर, और होने दे कि हम तुझे सिर्फ जानने वाले ही ना बने वरन पहचानने वाले भी बने, और उस क्रूस की सामर्थ को समझने वाले भी बने। आज बहुत से लोग हैं जो शायद यीशु मसीह को जानते होंगे लेकिन पहचानते नहीं होंगे, पहचानते होंगे तो समझते नहीं होंगे कि यीशु हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। बहुत से लोग हैं शायद जानते हैं पहचानते हैं लेकिन समझते नहीं है कि यीशु हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। यीशु मसीह हमारे लिए चिन्ह और चमत्कार और जो कुछ भी हमें चाहिए वो सब हमारे लिए हमारी सोच और समझ से हमारी कल्पनाओं से बढ़कर हमारे लिए कर सकता है। बस अगर जरूरत है कुछ तो उसको जानने की। अगर आप उसको नहीं जानते तो ये वचन की वो आशीषें जो इस वचन में हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन यदि आप उसको जानते हैं पहचानते हैं उसका अनुसरण करते हैं तो प्रियो इस वचन की तमाम बातें, तमाम वो वचन जो आपके और मेरी भलाई के लिए हैं, जो आशीष की बातें हैं वो हमारे जीवन में पूरी होगी। और वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले, धोखा दे। वचन में साफ साफ लिखा है कि यदि हम अविश्वासी भी निकलें तब भी वो हमारे साथ विश्वास योग्य बना रहता है। प्रियो हाँ हम मनुष्य हैं, हमारे जीवनों में चिंताएं हैं, फिक्र हैं, डर हैं, और हम ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं जहां हम कहते हैं कि यीशु तू कहां है। हमारे जीवनों में ऐसी घटनाएं आती हैं। मुझे याद है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे मुंह से जो शब्द निकला था पता है क्या था? यीशु। क्योंकि जो बेल्ट थी जिसने मेरा ये कंधा तोड़ा, उस बेल्ट ने मेरा जो सीना प्रेस किया तो ऐसा लगा कोई मेरी छाती ये बैठ के दबा रहा है सीने को मेरे, क्योंकि उस बेल्ट का प्रेशर इतना था कि आप सोचिए हड्डी तोड़ दी तो प्रेशर कितना भयंकर होगा। तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सीने को दबा रहा है। उस समय उस दबाव के अंदर जो मेरे मुंह से आवाज आ रही थी यीशु, ये आवाज आई थी प्रियो। हमें समझना है, हमें जानना है, हमें पहचानना है। यदि मैं और आप अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता को जानते हैं पहचानते हैं तो चाहे कैसी भी समस्याएं हो, कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, आप उसमें से यूं निकल जाएंगे। और आप कितना मसीह यीशु में है, कितना विश्वास में है, ये सच बताऊं तो आप जब ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं ना तो आपके मुंह से पहला शब्द क्या निकलता है उससे मालूम चलता है। सुनना मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जब कभी भी कुछ ऐसा हो जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी ऐसा हो और आपके मुंह से क्या निकलता है, बहुत से शायद गालियां निकलती होंगी, अबे तेरी तो एक्स वाई जेड या कुछ भी बोले। आप कितने आत्मिक हैं, आप कितने मसीह यीशु में हैं, ये उस समय मालूम नहीं चलता कि जब हम जोर से तलाई बजाए गीत गाए, ये उस समय मालूम चलेगा जिस समय कुछ ऐसी घटना घटे जिसके विषय में आपने कभी नहीं सोचा था, ऐसी परिस्थिति आ जाए जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और फिर जो मुंह से आपके निकलता है इससे मालूम चलता है कि आपके मन के अंदर क्या भरा हुआ है, आपके मन के अंदर क्या भरा हुआ है। और यदि आप मसीह यीशु जानते हैं, यदि आप मसीह यीशु को पहचानते हैं तो अवश्य ही प्रभु यीशु मसीह की आशीषें आपके ऊपर बनी रहेंगी। आइए हम अपनी प्रार्थना सभा का यहीं पर समाप्त करेंगे और हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं निवेदन करूंगा प्रकाश भैया से प्रार्थना में अगुवाई करें और हम सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। हमारे परमेश्वर धन्यवाद और शुक्रगुजार है, आपने अब तक संभाल के रखा है। आमीन, हालेलुया। शुक्रगुजार है प्रभु कि आपने एक सौभाग्य दिया कि हम आपकी इबादत और महिमा करें। आमीन आमीन। भले ही हम लोग ऑनलाइन और फेसबुक के माध्यम से सेवा कर सके प्रभु, पर जो भी वचन का बीज बोया गया है वो कई हजार गुना फल लेकर आए। आमीन आमीन। जो दर्शन की बातें परमेश्वर लोगों के लिए बताई गई हैं, जो दर्शन की बातें प्रभु आपने प्रकट की हैं, वो हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिख दी जाए प्रभु। आमीन आमीन। जितने लोगों ने प्रभु देखा है ऑनलाइन, आपके वचन को सुना है इस आज शाम की इबादत में, जितने लोग सहभागी हुए हैं वो सब बरकत पाए। आमीन आमीन आमीन। और जो लोग भी जुड़ेंगे प्रभु इसके बाद भी, समय रहते हुए जो भी प्रभु इस वचन की सेवकाई में सहभागी होता है,
इबादत में वो सारे लोग बरकत पाएं। आमीन। खास तौर से प्रभु मसीह मंडली जो पेज है, प्रभु आगरा मसीह मंडली, उस पेज पर आशीष दीजिएगा प्रभु, उस सेवकाई पर आशीष दीजिएगा, और उनकी टीम को प्रभु फलबंद करें और आशीषित करें। आमीन, आमीन। जो लोग भी उनके पेज पर आते हैं प्रभु, आगरा मसीह मंडली के पेज पर, वो सच में बड़ी बरकत पाएं और उनके द्वारा बहुत सारे लोग बरकत पाएं। आमीन। प्रभु मसीह मंडली जो पेज है, हमारी प्रार्थना इस सेवकाई को आप बढ़ाते जाइए। हमारे भाई अनुपम डेविड जी के लिए प्रार्थना है, उनकी फैमिली के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। बहुत आयत की आशीष दें प्रभु, और अपने बेटे के समस्त घराने को दाऊद पर की अचल कृपा बना के जरूर रखिए प्रभु। आज शाम जो भी वचन का प्रचार हुआ है, वो लोगों के हृदय में अधिकाई से बसने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, जितने लोग आज शाम इबादत में इकट्ठा हुए हैं, उनको आप स्वयं आशीष दीजिएगा, नाम लेकर आशीष दीजिएगा, और उन्हें बहुत फलबंद करिए। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपने हमारी सुधि ली और ये सौभाग्य दिया कि हम सब मिलकर प्रभु की इबादत और महिमा करें। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद की विनती को सुन लीजिए, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। चलिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। आपको भी जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यहीं समाप्त करेंगे।